सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। एलजी के खिलाफ छाती पीट रहे केजरीवाल ने दिल्ली में नया बवाल खड़ा कर दिया है। झूठे आरोपों को लेकर सीएम साहब सड़कों पर उतर आए हैं। पीएम मोदी के रोड शो में अड़ंगा डालने के लिए केजरीवाल अपनी गैंग के साथ एलजी के घर के बाहर बवाल काटने लगे हैं, लेकिन केजरीवाल की ये नौटंकी काम नहीं आई। और तो और, उनके झूठ की भी पोल खुल गई है। उल्टे पांव केजरीवाल को अपने घर भागना पड़ गया। दरअसल केजरीवाल की हाल ही में दिल्ली के एलजी के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में केजरीवाल ने सिर्फ अफवाह वाली बातें कही, प्रोपेगेंडा बातें की। पहले वो बार बार आरोप लगा रहे थे कि एलजी उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। जब मुलाकात हुई तो एलजी के सामने वो मुद्दे नहीं रख पाए। एलजी के सामने आते ही केजरीवाल घबराने लगे, क्योंकि पता था कि मीटिंग में झूठ नहीं चल पाएगा। जिन मुद्दों को लेकर केजरीवाल बाहर माहौल बना रहे थे, एलजी ने भी लगे हाथों फाइलें रोकने का मामला केजरीवाल के आगे उठा दिया। लेकिन वहां केजरीवाल ये नहीं बता पाए कि एलजी ने कौन सी फाइलें रोकी हैं। ऐसे में एलजी ने कहा कि जब दिल्ली में डेवलपमेंट का काम वो देख रहे हैं तो उससे केजरीवाल को क्या दिक्कत है। अगर सड़क में गड्ढों का मुद्दा उठाया है तो उन्हें सही कराने का सरकार का काम है। एलजी ने तो कोई काम उसमें रोका नहीं है। या फिर एलजी की तरफ से नए स्कूलों के निर्माण का मुद्दा उठाया गया है और यह मुद्दा केजरीवाल को बेनकाब करता है, तो कैसे केजरीवाल बोल सकते हैं कि एलजी काम रोक रहे हैं। जो कमियां खामियां मिलेंगी उन्हें तो उठाया ही जाएगा। मीटिंग में जब केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए, एलजी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो बौखलाकर भाग उठे और सड़कों पर फिर झूठ फैलाकर छाती पीटना शुरू कर दिया। केजरीवाल के इस नौटंकी पर अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्यों प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे केजरीवाल? क्या भ्रष्टाचार पर भटकाने की कोशिश कर रहे केजरीवाल? क्या एलजी के एक्शन से केजरीवाल को हो रही तकलीफ? क्या केंद्र पर फोड़ना चाह रहे अपनी नाकामी का ठीकरा? केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरकर नौटंकी दिखा रहे हैं। ये बात एलजी के खुलासे के बाद साफ हो गई है, क्योंकि केजरीवाल आंकड़ों को पेश करने के बदले उन पर ऊपर ही बातें कर बस झूठ बोलने के काम पर लगे हुए हैं, ताकि लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि एलजी उनका काम रोक रहे हैं। ऐसे में जब एलजी ने पूछा कि कौन सा काम रोका जा रहा है, तो केजरीवाल की हवा ही टाइट हो गई। एक बात वो नहीं बोल पाए, क्योंकि केजरीवाल बेतुके मुद्दे उठाते हैं। कहते हैं कि मेयर चुनाव में एलजी ने 10 पार्षदों को नॉमिनेट कर दिया, तो अब सवाल ये है कि उस चुनाव से दिल्ली के विकास का काम कैसे रुका है, क्योंकि वो तो एलजी संवैधानिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के 10 पार्षदों को नॉमिनेट करें, अगर इस मामले पर केजरीवाल को सवाल उठाना है तो वो लोगों के सामने नहीं बल्कि कोर्ट के सामने उठाएंगे। लेकिन बेवजह लोगों को पागल बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं जो कि वो हमेशा से करते आए हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने बवाल काटा कि एलजी उनके शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोक रही हैं। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया ने भी इस मुद्दे पर छाती पीटनी शुरू कर दी, नए नए आरोप लगाए, तलखियां लेकर केजरीवाल गैंग के साथ उतर आए। लेकिन केजरीवाल की इस नाकामी पर एलजी ने ऐसा जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जोरदार तमाचा पड़ गया। एलजी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने शिक्षकों के फिनलैंड जाने के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है, अभी इस पर मंथन चल रहा है। इस मामले में कोई भी बयान भ्रमित करने वाला और शरारत से प्रेरित है। जैसे ही एलजी की तरफ से ये बयान आया, केजरीवाल और उनकी गैंग तलखियां लेकर घर दौड़ पड़ी। अब केजरीवाल एलजी के खिलाफ माहौल उन्हें पद से हटाने के लिए मना रहे हैं, ताकि दिल्ली के एलजी को हटाया जा सके और उनके काले चिट्ठे दब सके। क्योंकि वीके सक्सेना ने जब से दिल्ली की कमान संभाली है, तब से उन्होंने केजरीवाल और उनके चेले चपाटे इतने घोटाले सामने आ गए हैं कि जनता भी हैरान हो गई है। जिससे केजरीवाल को लग रहा है कि अगर एलजी साहब ऐसे ही उनकी पोल खोलते रहे तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनका बहुत बुरा हश्र होगा, क्योंकि केजरीवाल के सारे बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त हैं। पहली बात, एलजी ने सिसोदिया के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया था। सिसोदिया पर ना सिर्फ शराब घोटाले का आरोप है, बल्कि स्कूलों के प्रोजेक्ट में धांधली का भी आरोप है। सिसोदिया पर ये सभी आरोप लगे हुए हैं। सिसोदिया फिलहाल तो शराब घोटाले में सीबीआई की रडार पर है और कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। उसके बाद एलजी की रडार पर ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान को लिया गया। एलजी ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ जांच की मंजूरी दी तो केजरीवाल बुरी तरह से बिलबिला उठे, क्योंकि अमानतुल्ला खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में चूना लगाने का आरोप है। अमानतुल्ला खान ने वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से अपने लोगों की भर्तियां करवाई, साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीन का भी गलत इस्तेमाल किया गया।
इसके बाद एलजी का हंटर केजरीवाल के चाहिए थे और डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह पर चला, जिनके दफ्तर पर तो एलजी ने ताला ही लगवा कर उन्हें पद से हटा दिया। आरोप लगाया कि सरकार पद पर रहकर जैस्मिन शाह ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम किया। इसके बाद एलजी ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप में करोड़ों के मानहानि का केस किया, जिसमें आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मिन शाह शामिल थे। इन लोगों पर आरोप लगा कि इन्होंने एलजी को फंसाने के लिए उन पर भ्रष्टाचार के गलत आरोप लगाए। उसके बाद विज्ञापन पर पैसा लुटाने वाले केजरीवाल पर जुर्माना ठोक दिया। ये ऐसे मुद्दे एलजी ने उजागर कर दिए जिससे केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए और अब जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। ऐसे में भ्रष्टाचार के मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल एलजी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और एलजी पर काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि एलजी के एक्शन से केजरीवाल को काफी तकलीफ हो रही है और वो अब अपनी नाकामियों का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। इसलिए अब कुछ नहीं बचा तो केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक ठप होने का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ डाला। आरोप लगाया कि ऊपर के अधिकारियों की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक को फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है, उनके काम को साजिश के तहत रोका जा रहा है। लेकिन केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी नाकामियों की वजह से मोहल्ला क्लिनिक हो या कोई और क्षेत्र, सब ठप हो रहे हैं। केजरीवाल के झूठे वादों की पोल खुलती जा रही है। अब तो लोग फ्री बिजली पाने वाले केजरीवाल के एजेंडे से भी परेशान हो गए हैं। केजरीवाल के इस नौटंकी पर एलजी वीके सक्सेना ने नकेल कस दी है। यही वजह है कि केजरीवाल वीके सक्सेना से परेशान हो गए हैं, उन्हें हटाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं जो बार बार फेल साबित हो रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।